अब मैं करेला बनाऊंगी। बिस्मिल्लाह, मैं तेल डालूंगी, कच्ची मेरे अपने थक 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 वाले लॉबी में। ये मैं पहले प्याज को अच्छे से भूनूंगी। करेला मज़ेदार होते हैं खाने में, तो करेला बनाएंगे। सोचा तो था मशरूम बनाएंगे, फिर कुछ और अपना डिश बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आज वेदर ठीक नहीं था। तो मुझे वेदर के साथ बहुत होता है, क्योंकि वो चीज़ें ना थोड़ी सी अलग होती है, यूनिक टाइप के। तो वो यूनिक चीज़ जो होते हैं वो अच्छे मौसम में खाना चाहिए। तो अभी तो हाँ, फिर आल के लिए अलग काटना पड़ेगा। वो अदरक लहसुन का पेस्ट भी दे दो बेटा। और ये मेरा टमाटर प्यूरी अभी भी फ्रेश फ्रेश कूटा है, मैं वो रेडीमेड नहीं यूज़ करती हूँ। गैस को थोड़ा अप फ्लेम करना है, ठीक। बस थैंक यू। मसाले का डब्बा लाना। एक मसाले का खूबसूरत सा डब्बा मंगवाया था ईद तक, सोचा आ जाएंगे, वो भी नहीं आया। चलो जब उनकी मर्ज़ी होगी तो आएंगे। करेला देखिए बहुत फ्रेश फ्रेश है। एक्चुअल में ना आजकल मैं ना बहुत ही मुझे अपना वो हो गया, फ्रस्ट्रेशन आया है, क्योंकि मेरे अपनों ने ना बहुत दिल दुखाए हैं, मुझे बहुत दिल दुखाए हैं। और वो लोग पर्दे के पीछे लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, और बस मेरा तो है नहीं है। मेरा भाई एक है, वो बहुत ही मतलब अच्छे हैं। मुझे अपने भाई से भी कुछ मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज तो मैं उनसे भी बहुत कम ही फ़ोन पे बात करती हूँ। बाकी ये जो औरतें हैं ना, इन्होंने बहुत दिल दुखाए हैं, बहुत दिल दुखाए हैं। वो लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे 80 चूहा खा के बिल्ली हज को चले हैं, लेकिन लोग अगर अंधे नहीं होंगे तो लोग तो वैसे उन्हीं को आज लाइक करते हैं ना, जो देखने में एवे टेवे हो, ऐसे हो, उन्हीं को मतलब। लोगों को छोड़ दो, मैं लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं आजकल बहुत ही टूटा हुआ हूँ, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि एक तो मेरे जो रिश्तेदार हैं उनके वजह से मुझे बहुत ही कुछ सहना पड़ा, मुझे बहुत ही कुछ मतलब। इसीलिए आते हैं ना बड़े बड़े फसाद, बड़े बड़े अल्लाह की तरफ से वो आते हैं, बलाएँ आते हैं, उसे कोई दुनिया की ताकत टाल नहीं सकते हैं। तो अल्लाह की लाठी जो है वो बहुत ही बेआवाज़ होते हैं। अदरवाइज़ मैं इतना मतलब मेरे दिल में इतने गम छुपे हैं ना, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला मुझे मज़े से रखते हैं, जायज़ मज़े में रखते हैं। ना जायज़ वाले मज़े ना मुझे करने की शौक़ है, ना मैं दिखाना चाहती हूँ। जैसे होते हैं ना बेपर्दा हो, लिपस्टिक पाउडर वाला मुंह दिखा के अपने बेटियों को कमाने लगा के उनके बलबूते पे मैं राज करूँ, नहीं। मेरे बच्चों को अभी भी मैं एकदम मतलब छोटे बच्चे की तरह ही ट्रीट करती हूँ। बहुत ही बड़ी वाली का भी, उसका भी ये क्या कहते हैं, शादी करा दी, तो मतलब हर चीज़ में बहुत ही जो शरीयत के दायरे में है मैं वही करना पसंद भी करती हूँ। और अल्लाह ताला मुझे खुश से रखते हैं, अल्लाह ताला मेरी हिफाजत करते हैं। वरना अगर मेरी हिफाजत अल्लाह नहीं कर रहे होते तो आज तक पता नहीं लोगों ने मुझे काट काट के खाया होता, जैसे आज कुत्ते लोग नोच नोच के किसी को ज़ख्मी कर देते हैं। उससे बुरा हशर मुझे करने के लिए लोग सोचते होंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी मुझे पत्थर नहीं रखते हैं। और मैं अपने शौहर को कभी भी मैंने आज तक ये डिमांड नहीं किया कि मेरे लिए एक सूट लेके आ जाओ, या मेरे लिए एक नया सैंडल लेके आ जाओ, या मेरे ये टेलर को दे के आ जाओ, या फिर ये करो वो करो, नहीं। कभी भी मैंने फरमाइश नहीं की है, कभी भी ना मैंने मांगा भी नहीं है, ना मैं मुझे अल्लाह ने किसी के आगे भी मांगने वालों में से नहीं रखे हैं। सोच लीजिए जब अपने हस्बैंड से मैंने एक सूट की डिमांड नहीं की होंगे तो फिर मैं दूसरों से क्यों डिमांड करूँगी। मैं तो सिर्फ़ खुदा से डिमांड करती हूँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गैब से मुझे
पूरा कर देते हैं। मैं अच्छे से ज़िंदगी अपने गुजार रही हूँ, मेरे ज़िंदगी को देख के लोग रिश्क के निगाह से देखते हैं, ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। साथ ही साथ करेला बनाने की तैयारी हो रही है, टमाटर, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, ये क्या कहते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक स्वाद अनुसार, और मसाले मेरे बहुत ही सिंपल है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और सौंठ पाउडर, सौंफ पाउडर, यही सब होते हैं। और प्यार से बनाती हूँ खाना, जितना भी दिल में दुख हो, दर्द हो, गम हो, लेकिन खाने मैं प्यार से बनाती हूँ, क्योंकि खाना एक मेन जुज़ होता है इंसान का। हम जिंदा रहते ही है खाना खा के, खाना पेट में जाके खून बनते हैं, और इसीलिए खाना बनाने के टाइम भी कुछ लोग बहुत लोगों की बातें कर कर के बना रहे होते हैं, तो फिर वो खाना उनको नसीब भी ऐसा होता है बिना नमक के, नमक से डर के। अरे यार, नमक से क्या डरना है, मौत से डरो ना। तो जब मौत से डरोगे तो अपने अमल को ठीक करो, अपने नामे अमाल को ठीक रखो, तो अपने नामे अमल ठीक होंगे तो मौत भी तुम्हें आएंगे, तो ईमान वाले। अगर तुम नमक से डर के बेनमक वाले खाना खाओगे तो फिर वो नमक बेनमक बेस्वाद खाना खा के भी मौत तो अपने वक्त पर ही आएंगे, और ऊपर से दूसरों के पीठ पीछे जो इतने बात जो किए हैं उसका गुनाह लेके कब्र में क्या जवाब दोगे खुदा से। तो इन सब चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, और इन्हीं बातों को लेके मेरे सो कॉल लोग जो है वो लोग मुझसे बराबरी नहीं होता है, बस यही रीज़न है। इनको जब तीन चार लोग मिलते हैं ना, इतने एक दूसरे के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल तो करते हैं गैबत, उसके बाद फिर दूसरों के बारे में किसी को नहीं बख्शते हैं, किसी को नहीं बख्शते हैं। इस ईद में भी इन्होंने आपस में खूब सलाम दुआ किया होगा, उसके बाद फ़ोन रखने के बाद गैबत भी खूब किया होगा। बच्चे को नहीं छोड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, तो बड़ों का तो क्या कहना। मेरा करेला मैंने उधर चला दिया, अब मैं अपना अल शरीफ बनाऊंगी, उसके लिए सरसों का तेल मैं बनाऊंगी, क्योंकि सरसों के तेल में खाना मज़े बनते हैं। तो ये है मेरा अल शरीफ जो मैंने जुलियन कट्स में काट के रखे हैं, तो इसको मैं काटूंगी और इसको मैं बनाऊंगी, और बस बाकी तो यही बात है। और सब इन औरतों को हिदायत की दुआ करनी चाहिए, मैं करती भी हूँ इन सब को, और जो इनको लाइफ में ना, इनके पास बहुत स्टोरीज है अगर अदरवाइज ना। वो जो कनाडा वाली है वो तो पहले कहा भी करते थे, हमारे कोई रिश्तेदार होते अब्रॉड में, काश वो हमें ये करते वो करते। आज खुद अब्रॉड में है, लेकिन उस हाल में मुझे उस पर तरस आते हैं। सब बहुए नॉन मुस्लिम कन्वर्ट किए हुए हैं, पता नहीं क्या उनको दीन सिखाते होंगे, खुद तो कुछ वो था नहीं रिलीजियस टाइप की, अलबत्ता कुरान हदीस सब कुछ पढ़ना लिखना सब कुछ आता है। अगर उस पे अमल होता तो शायद फिर इतना बेवा हो के मेकअप नहीं करती, कम अज़ कम पर्दा वाला कपड़ा पहनता, मर्दों वाले लिबास नहीं पहनते, जीन्स नहीं पहनते, सिर को ढकते, मेकअप वाला चेहरा अब गैर मर्दों को दिखा के क्या करते। जब हस्बैंड रहा नहीं, वो गुजर गए, तो अब उसके बाद तो बीवी को ही हस्बैंड का शान को बढ़ाना है कब्र में, वो भी नहीं। जब सासू माँ से 65-70 साल की उम्र में ऐसा मेकअप करेंगे, ऐसा ड्रेसिंग करेंगे, तो वैसे शर पर बहुओं को क्या सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे आप बोलिए। और वो लोग जब छुट्टी में अपने घर जाएंगे बाल बच्चों को लेके, वहाँ उनके शर पर फैमिली में क्या सिस्टम होगा, बच्चों को क्या असर पड़ेंगे। जब खुद के घर में ऐसा आन पड़ा तो कोई नहीं, मामूली से ले लेते हैं, जब दूसरा कोई कुछ करता है तो उनको वो बहुत बड़ा बना के बढ़ा चढ़ा के ये लोग सुनाते हैं। उसी बात की मैं अगेंस्ट होती थी, ऐसा मत कहो दूसरों को, आज तो दूसरे लोग इनसे ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं। और मैं ताइवान में है, उसका
उसका तो बच्चों को नमाज पढ़ना नहीं आता, वज़ू बनाना नहीं आता। 30, 31, 32, 33 साल के बच्चे हैं उम्र, उनको कुछ आता नहीं, तो कितना अफसोस की बात है। मैं तो हर वक्त यही सोचती रहती हूँ। और जो यहाँ पर है हाजरा, उसका बेटा सिर्फ दुनियावी रंगरलियों के बारे में सोचते रहते हैं। अब उसको भी लत लगी हुई है, एब्रॉड जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बच्चों का कसूर नहीं है, बच्चे तो बचपन में गीले मिट्टी होते हैं। उसको माँ बाप ने किस तरह से उनको मतलब माइंड वॉश किया होगा, अपनों के टुवर्ड्स दुश्मनी करना, गरीबी अमीरे का फैसला बताना, अमीर बहुत ये होते। लेकिन अपनी ज़िंदगी में भी कभी गरीबी वाली ज़िंदगी भी आए होंगे किसी न किसी के लाइफ में। कभी कोई पिलो कवर बेचने गए होंगे, कभी कोई मग बेचने गए होंगे, कभी कोई चादर बेचने गए होंगे, कभी कुछ करने गए होंगे। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। संगबा के पास गए होंगे, बिरालू के पास गए होंगे। हाँ, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हो सकते हैं लाइफ में, तो उन चीज़ों को नज़रअंदाज करना है इनको। बाकी लाइफ में कभी भी अपना पास्ट को नहीं भूलना चाहिए, और लाइफ में एक दूसरे के साथ हसद नहीं करना चाहिए। मैं तो इस चीज़ का शिकार बचपन से ही बनी हुई थी, क्योंकि हसद तो अपने ही अंदर अपने ही लोग हसद करते थे। और कुछ लोग तो उम्र का इतना फैसला मतलब 10-10, 15-15 साल होने के बावजूद भी हसद करते रहते थे। उनका मतलब आज बुढ़ापे में भी उनका वो आदत नहीं गए हैं, तो ये बहुत दुखद बात है। अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब करे। अब वो हिदायत नसीब नहीं होंगे तो वो उनकी बदकिस्मती है। अदरवाइज़ ये लोग पैसे तो ज़कात देने वाले जैसे तो बने भी नहीं होंगे। अगर बने होते तो सबसे पहले अपनों में ही एक दूसरे को देते, वो कितना मतलब फ़ायदा होता, सवाब मिलता। लेकिन उस चीज़ की फ़िक्र इनको नहीं है, उल्टा ये लोग बस गरीबी दिखाते रहते हैं। सबसे बड़ी वाली एक औरत है, ओह उसका तो क्या कहना, वो तो हर हमेशा रोती आ रही है, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और उसने इसीलिए बहू लेना भी मुनासिब नहीं समझा, अपने बेटे को ही किसी और को दे दिया। चलो ये इनके अपने पट से। और देखिए मैं अल शरीफ बनाऊंगी अब। उसके लिए मैं यहाँ पे तेल में प्याज फ्राई कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं चाय पी रही हूँ, मज़े मज़े वाला लिप्टन चाय। और मैंने एक ट्विस्ट देने को सोचा इसमें अल शरीफ में। अल शरीफ में मैं थोड़ा सा ड्राई ब्राउन डालूँगी। उसको अभी मैंने पानी में भिगोया, गर्म पानी में, हल्का नीम गर्म पानी में। ये ब्राउन मैंने अमेज़ोन से मंगवाए थे, तो ये बहुत ही मज़े मज़े वाले हैं। उस दिन भी मैं अक्सर मंगवाती रहती हूँ हर चीज़। आजकल अमेज़ोन से सब चीज़ मिल जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ दुनिया की नहीं है जो नहीं मंगवा सकते हैं। तो मैंने सोचा अल के साथ टमाटर प्यूरी यहाँ पे है, मैं आज एक ट्विस्ट देने वाली हूँ। और मछली के साथ मैं आज अल हज बना रही हूँ। वो सूखा हुआ कद्दू होता है, कद्दू के सीज़न में हम कद्दू सुखाते हैं हाइजीनिकली, फिर उसको यहाँ कश्मीर में अलहज कहते हैं। तो फिर वो मछली के साथ बहुत मज़े बनते हैं। तो इस वक्त मैं अभी चाय की चुस्की ले रही हूँ, मज़े मज़े वाले। तो साथ ही साथ मैं बना रही हूँ इस अल शरीफ को इस प्राउन के साथ। और टमाटर मेरा यहाँ पे है, तो मैं आपको अभी बाद में दिखाती हूँ। अब देखिए अल को मैंने डाल दिया। आज प्राउन और अल का मैंने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत मज़े बनेंगे। स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है, और हमारे लिए तो अच्छा है, किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। कि क्योंकि वो जो किनीमा है ना, ड्राई किनीमा, एक तो अब एक बीन्स होता है उसको ड्राई करके बनाते हैं अब अपने अपने ट्रेडिशनल हिसाब से। वो नेपाली इलाकों में मिलते हैं ज़्यादातर, तो फिर वो भी मैं अमेज़ोन से मंगवा लेती हूँ मेरे घर में इन सब। और वो स्पाइसी डोले खुरसानी, उसका भी मेरे घर में कमी नहीं होती है, वो भी मैं अमेज़ोन से मंगवा लेती हूँ। और बाकी किनीमा जो है ड्राई वो मंगवा लेती हूँ, और जो गीला किनीमा है वो मैं समर में घर में खुद से बना लेती हूँ।
और वो भी मुझे बनाना आ गया और उसी को फिर सुखाती भी हूँ। तो लास्ट ईयर सुखा नहीं पाई कुछ बिजी रहने के वजह से, कुछ काम, क्योंकि उसको भी फिर बहुत ध्यान देना पड़ता है कितने दिन सुखाए हैं उसको। फिर एकदम हाइजीनिकली मैं सुखाती हूँ मलमल के कपड़े उढ़ा उढ़ा करके, तो फिर वो एकदम वैसे किनेमा उससे भी बेहतरीन बन जाते हैं। तो आज ड्राई किनेमा भी बहुत महंगा है इसलिए अपने घर में बनाती हूँ मैं ये सब चीज़ें। तो अभी तो मैंने आज ताज़ा अल को मैं प्राउन के साथ बना रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। इंशाल्लाह रहमान अच्छा ही बनेगा, फिंगर्स क्रॉस। अब इसको मैं ढक के 20 मिनट इसको देखूँगी नहीं, 20 मिनट तक इसको पकने दूँगी। सब्ज़ी बन रहे हैं, छठा ईद है और यहाँ से मैं पपीता काट के रखा है, पपैया खा रही हूँ साथ साथ। लंच डिनर से पहले फ्रूट्स खानी चाहिए आधा एक घंटा पहले, वो मीठे मीठे हैं। व्यूअर्स सबों ने खाना खा लिया, अब मैं खाना खाऊंगी थोड़ा सा। तो मैं तो अपने इस मिट्टी वाले बर्तन में खाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है इसमें खाना ज़्यादा। तो देखिए मेरा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बहुत ही मज़े वाले बने हैं अल वाले सब्ज़ी, बहुत ही मज़े, देखिए ना। अल वाली सब्ज़ी और उसके बाद है मेरा हरी ये करेला वाला सब्ज़ी, मज़े मज़े वाला करेला, बहुत मज़े बने हैं। तो मैं एक चम्मच करेला का लूँगी, बिस्मिल्लाह। तो इसके बाद है मेरा अंडा वाला, देखिए अंडा वाला मैं एक अंडा लूँगी और इसका जो रस है ना ये इतने मज़ेदार है ना मैं क्या कहूँ। अभी इन लोग ने तो खा लिया तो मैं अभी खाऊंगी अब बिस्मिल्लाह करके। और मेरा ये तीन चीज़ें, क्योंकि मुझे उस वक़्त भूख नहीं थी जब इन्होंने खाया, तो अभी मुझे भूख लगी है तो मैं जब भूख लगती है तो मैं खाती हूँ। और ये मेरा अल वाला सब्ज़ी थोड़ा सा प्राउन के साथ, बहुत मज़े वाली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।